है भिक्षासी सूर्यकांत संपर्क शोभित चंद्रकांत। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नताशा ट्रैवल ब्लॉग। और जैसा कि आपको दिख रहा है कि सामने नताशा पूजा की तैयारी कर रही है, तो आपको बता दूं दोस्तों कि आज तीज का त्यौहार है और आपको तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो तीज का त्यौहार है, जो औरतें हैं अपने पति के लंबे उम्र के लिए करती हैं, और आज जो तीज का पूजा है यहाँ पर भी शुरू होने वाला है। तो अभी थोड़ी ही देर में जो तीज का जो स्टोरी होता है दोस्तों, वो भी पढ़ा जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारे आने वाली सारी मज़ेदार वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अभी थोड़ी ही देर में तीज की पूजा जो है वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि प्रिपरेशन जो है पूजा का करीब करीब कम्प्लीट हो चुका है। फ्रेंड्स, तो जो तीज का पूजा है उसका जो प्रिपरेशन है, अलग से हम जानते हैं कि इसमें शिव पार्वती जी की पूजा की जाती है। तो हमने अलग से शिव पार्वती जी को स्थापित कर दिया है और हमारा जो मंदिर है वहाँ है, और यहाँ पे स्थापित करके हम यहीं पे पूजा करेंगे। तो इसकी जो दोस्तों कथा है, ये तीज पूजा की जो कथा है, वाकई में बहुत रोचक कथा है। तो नताशा थोड़े ही देर में वो कथा सुनाएगी और आप लोग ज़रूर इस कथा को सुनिएगा, क्योंकि ये जो तीज की पूजा है इसी कथा से प्रेरित है। और ये तीज पूजा क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, ये सब कुछ इस कथा में बताया जाएगा। तो चलिए थोड़े ही देर में अभी जो तीज की कथा है वो शुरू होने वाली है। तो फ्रेंड्स, अभी जो पूजा है उसका पूरी तरह से प्रिपरेशन हो गया है, अब पूजा जो है वो शुरू होने वाली है।
शीतल जी कहते हैं, मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केशपाल अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो दिव्य वस्त्र धारण की है और जो दिगंबर है, ऐसी श्री पार्वती जी तथा श्री शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणी कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई पार्वती जी कहती है, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो हमें धर्मों से सरल हो, जिसे परिश्रम भी कम करना पड़ा लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। शिवजी ने कहा, भारत वर्ष में जैसे मैं चंद्रमा ग्रहों में, सूर्य वर्णों में, ब्राह्मण देवताओं में, विष्णु भगवान नदियों में, गंगा पुराणों में, महाभारत वेदों में, क्षमा वेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराणों और वेदों का सर्वश्रेष्ठ जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो, जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र में युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, यह वृतांत है, मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सबसे सब आपके सुख मुख से सुनना चाहती हूँ। उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है, उसके आस पास तरह तरह की भूमिया है, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं, नाना प्रकार के पक्षी और उनके प्रकार के अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता सिद्ध चारण पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिसे स्फटिक रत्न और वैधवी मणि आदि मनी आदि की खाने भरी हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरफ समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम से आच्छादित रहते हैं और गड्ढा गंगा जल की सदा सुनाई देती है, देती रहती है। पार्वती, तुमसे बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी, 12 वर्ष तक तुम उल्टी ही टंग कर केवल धुआं पीकर रही, 64 वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर रही, मास माघ में तुम जल में बैठी रहती और वैशाल की दोपहरिया में पंचांगनी तापती थी। श्रावण महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़ी दुखे हुए वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आ पहुंचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरी ने अर्घ्य पाद आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं, मेरा अहोभाग्य, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह योग्य कन्या रत्न किसी योग्य वर को दे। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है, इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपने कन्या भगवान विष्णु को ही देवे। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं तो मैं उनके अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनि राज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर संघ चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वहां हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का करा दिया। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चले गए। वही जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस प्रकार विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, तुम क्यों इतनी दुखी हो, इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति तुमको पूरा करने की चेष्टा करूंगी।
इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती जी बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिवाजी ही को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इससे कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग ना करो, चलो किसी ऐसे वन को चलो जहाँ पिता को पता ना लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुंची, उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे, दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भवर विष्णु को दूंगा। ऐसा सोते सोते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे कि गिरिराज आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने, ना मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह खा गए होंगे। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई, किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कहवाइयों के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान ने तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह भालू हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह जा पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणीक तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालू कामी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के इच्छा करना चाहती है। वह यत पुनः इस व्रत को करे, केले के खम्भे आदि के सुशोभित एक मंडप बनावे, उसमें रंग बिरंगे रेशमी कपड़े से चंदोबा लगाए, चंदन आदि सुशोभित द्रव्यों से वह मंडप लिपवाए, फिर शंख भेरी मृदंग आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर त्रत रखे मंगलाचार करते हुए उस मंडप में पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करे। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल सुगंध और मनोहर धूप नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्रित मेरा पूजा करे और रात भर जागरण करे। ऊपर से जो जो वस्तुएं गिनाए गए उनके अतिरिक्त नारियल सुपारी जमरी नींबू लौंग अनार नारंगी आदि जो फल प्राप्त हो सके इकट्ठा कर ले। उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिल सके विशेष रूप से रखे। इसके बाद धूप दीपदानी से पूजन पर प्रार्थना करे। हे शिव शिव रूपनी, हे मंगले सब हर्थों को देने वाली, हे देवी, हे शिव रूपे आपको नमस्कार है, हे शिव रूपे आपको सदा के लिए नमस्कार है, ब्रह्म रूपिणी आपको नमस्कार है, हे जगदात्री आपको नमस्कार है, हे सिंहासिनी संसार से भय भयभीत मुझ दीन की रक्षा करे। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती मुझे राज्य और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न हुए इन्हीं मंत्रों से पार्वती तथा शिव जी की पूजा करे। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण के वस्त्र गौ स्वर्ण आदि देवे। इस तरह एक चित्त होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करे, फिर वस्त्र आदि को कुछ हो उसका संकल्प करे। हे देवी जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसके साथ जन्म तक सुख का सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीय तिथि का व्रत न कर अन्न भक्षण करती है वह सात जन्म तक बंधिया रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्र पुत्र शोक से शोकाकुल स्वभाव की झगड़ालू सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। मांसाहार करने से बाघी, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और कुछ खाने से मक्खी होती है। तीज को अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोग, दूध पीने से सापिन, उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए सभी स्त्रियां व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन सुवर्ण चांदी तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दे और पारण करे। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है और वह जब मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग और सायुज्य की मुक्ति मिल जाती है। इस हरतालिका व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है, कुछ भी संशय नहीं।
फ्रेंड्स, तो जो तीज का कथा था वो अभी समाप्त हो गया है और पूजा समाप्त होने के बाद की जो विधि है वो नताशा भी कर रही है। कोयल शब्द सुनवत सुंदर भ्रमण करत है गुंजासी, कल्प द्रुम अरुपारेजित तरु लाग रहे है लच्छासी, काम देनु कोटिन जह डोलत करत फिरत है भिच्छासी, सूर्यकांत सम पर्वत शोभित चंद्रकांत सम हिम राशि, चहो तो ऋतु नित फलत रहत है पुष्प चढ़त है वर्षासी, देव मुनि जन की भीड़ पड़त है निगम रहत जो नित गासी, ब्रह्मा विष्णु ज्या को ध्यान धरत है कछु सिर हमको फरमासी, रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर सदा आनंदित सुख राशि। तो आज का जो हमारा तीज का पूजा था वो ख़त्म हो गया और इसकी कथा भी जो आपने सुनी वो भी ख़त्म हो गई। तो चलिए दोस्तों, हम जल्द ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।